Hello friends, myself Dr. Sumita Rai from Ambleshwar, Gujarat. I am a lifelong member of Home Remedial Platform, and I just want to say कि अगर आपको एक confident homeopath बनना है, अगर आपको homeopath होने पर फक्र महसूस करना है, गर्व महसूस करना है, proud feel करना है, तो please आप ये platform join करिए. और आप देखिए, जो फ्यूचर है वो होम्योपैथी का है, ये हम और आप सब जानते हैं. बहुत सारी कंडीशंस होती है जिसकी वजह से कितने लोग होम्योपैथी प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं. जनरली होम्योपैथी लोग टू वेज में प्रैक्टिस करते हैं. एक तो पेटेंट्स, टॉनिक टिंचर्स देके खुश हो लेते हैं कि हाँ हम होम्योपैथी कर रहे हैं, या तो फिर सिंपली कुछ लोग जो है वो क्लासिकल बहुत कम लोग हैं जो क्लासिकल होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं. पर ये जो छोटी सी खुशी मिलती है ना टिंचर्स, टॉनिक्स और पेटेंट्स देकर और रिजल्ट लेकर और झूठ मूठ का कह के हमने होम्योपैथी से ही पेशेंट को ट्रीट कर दिया, वो हमें भी पता है कि हमारे अंदर दिल से नहीं आती है वो खुशी. और जब सचमुच एक पेशेंट को हम क्योर करते हैं जो बहुत दिनों से एलोपैथ के धक्के खा रहा है, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस करवा चुका है, फाइल्स इतनी सारी होती है वो लेकर आते हैं, और 10 साल से 15 साल से मेडिसिन खाए जा रहे हैं, एलोपैथी भी खाए जा रहे हैं, होम्योपैथी भी खाए जा रहे हैं, ऐसे पेशेंट्स को जब आप रिलीफ देते हैं ना, तो वो जो खुशी होती है वो पेशेंट्स की ही नहीं, उसके परिवार की खुशी भी उसके साथ में होती है. मान लीजिए आप ही के घर में एक ऐसा पेशेंट है जो बहुत दिनों से परेशान है किसी चीज़ के लिए, और आप बस उसे पेन किलर्स दिए जा रहे हैं, उसका कोई हल नहीं है, तो इसका कोई मतलब नहीं होता है. लेकिन जब आप एक होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं, किसी खुद के ही घर में अगर आप होम्योपैथी मेडिसिन देते हैं और उसका इतना अच्छा रिजल्ट देखते हैं कि वो क्योर हो जाता है पेशेंट, या मान लीजिए बच्चों के केस में हमें पता है कि पैरासिटामोल नहीं देनी चाहिए फीवर में, फिर भी हम देते हैं, बीइंग अ होम्योपैथ भी हम देते हैं, पर वही जब हम पैरासिटामोल नहीं देंगे और उसकी राइट सिमिली में उसको देंगे, 2-3 डोज में उसका फीवर जब उतर जाएगा, तब देखिएगा आपको बीइंग अ पेरेंट कितनी खुशी होगी. तो यही खुशी आप सब में बांट सकते हैं. बस यही चीज़ एक्सपीरियंस करने के लिए आप हमें मिरर प्लीज़ ज्वाइन करिए. और गोवा में हम अपना ऐप लॉन्च कर रहे हैं 10th of April को, सो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए. और मैं एक लाइफ लॉन्ग मेम्बर हूँ, तो मेरा कॉन्फिडेंस तो इसमें बहुत ही बिल्ड हुआ है हमें मेरा ज्वाइन करने के बाद से. प्लीज़ आप भी आइए, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, और ये सोचिए कि होम्योपैथी करनी ही चाहिए. थैंक यू.